अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज। अगर ये न्यूज आपको पसंद आती है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। फैशन की दुनिया में तहलका मचाने आ गया है लास्ट चॉइस एंड कंपनी, जिनका भिवंडी में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड सेल्स आउटलेट है, जहां आपको मिलेंगे क्वालिटी मटेरियल के साथ लेटेस्ट डिजाइन, वो भी वाजिब दामों में। टी शर्ट 99, शर्ट 199 और ब्रांडेड जीन्स सिर्फ 499 में। 3000 की शॉपिंग पर आपको मिलेगा गिफ्ट वाउचर और 5000 की शॉपिंग पर मोबाइल फोन के लिए लकी ड्रॉ। रमजान के धमाकेदार ऑफर का लाभ उठाने के लिए एक बार जरूर विजिट कीजिए लास्ट चॉइस एंड कंपनी एट शॉप नंबर 1 सुप्रीम होटल, धामनकर नाका, भिवंडी। सोमवार 10 अप्रैल को भिवंडी तालुका पुलिस को नासिक हाईवे पर एक अज्ञात महिला की लाश मिली थी, जिसकी हत्या के आरोपी को पुलिस ने महज 2 दिनों में किया गिरफ्तार। महिला शांतिनगर क्षेत्र की रहने वाली थी। अपने पति को ससुराल वालों से अलग घर लेकर रहने की मांग कर रही थी, जिसे तंग आकर पति अब्दुल रहमान अंसारी ने अपनी पत्नी रमशा अंसारी की हत्या कर दी। पुलिस ने रात 2 बजे अब्दुल रहमान को उसके घर बिलाल नगर से किया गिरफ्तार। भिवंडी शहर के भंडारी चौक बालाजी नगर से एक 17 वर्षीय लड़के की किडनैप होने की घटना सामने आई है। पुलिस ने उसके परिजनों की शिकायत के आधार पर अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध अपहरण का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक बालाजी नगर में कपड़ा डाइंग का व्यवसाय करने वाले राजेश बहादुर राम ने शिकायत दर्ज कराई है कि उनका पोता 17 वर्षीय आकाश राजाराम पिछले 7 अप्रैल से सुबह 9 बजे से लापता है, जिसकी काफी तलाश की लेकिन कुछ पता नहीं चला। नारपली पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति पर अपहरण का मामला दर्ज कर लिया है। भिवंडी के टेमघर शमशान भूमि के पास लाभ ग्रुप इमारत के ए विंग में पहले मंजिल पर रहने वाले इमारत के चेयरमैन विकास उपाध्याय और इसी गांव के जाफर प्लम्बर ने भिवंडी महापालिका प्रशासन से किसी भी प्रकार की अनुमति न लेते हुए रास्ते की खुदाई करके महापालिका के 4 इंच की पानी की पाइपलाइन से 1 इंच के व्यास के 4 नल कनेक्शन जोड़कर पानी की चोरी कर रहे थे। इमारत के चेयरमैन विकास उपाध्याय लगभग 20,880 रुपए कीमत की पानी चोरी और महापालिका को नुकसान किया, जिसकी जानकारी मिलने पर जल सप्लाई विभाग के उप अभियंता उद्धव तुकाराम गावड़े ने दोनों के खिलाफ शांतिनगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया है। भिवंडी केबी नगर रोड गुलजार नगर नूरानी मस्जिद के ठीक सामने ड्रेनेज का चेंबर पिछले 15 दिनों से ओवरफ्लो होकर लगातार बह रहा है। इस गंदे पानी से होकर नमाजी गुजरने के लिए मजबूर है, साथ ही महिलाएं और छोटे बच्चों को भी आने जाने में काफी दिक्कतें हो रही है। इसकी शिकायत स्थानिकों ने कई बार महापालिका से की लेकिन अब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया। मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 12 ने गोरेगांव पूर्व में एक मशहूर कपड़ों के ब्रांड की डुप्लीकेट टी शर्ट प्रिंट करने वाले और बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। क्राइम ब्रांच ने 16,16,000 रुपए से अधिक कीमत के 300 से अधिक टी शर्ट और प्रिंटिंग मशीन भी जब्त की है। डिंडोशी पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और IPC की धारा 420(51) और कॉर्पोरेट ट्रेडमार्क अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। भिवंडी शहर में एक स्कूल के खिलाफ 1 साल की अवधि में 10 लाख रुपए से अधिक बिजली चोरी करने का मामला दर्ज किया है। भुसार मोहल्ले में स्थित स्कूल के खिलाफ अक्टूबर 2021 से सितंबर 2022 के बीच कथित तौर पर शांतिनगर पुलिस स्टेशन में बिजली चोरी करने का मामला दर्ज किया है। टोरेंट पावर कंपनी के निरीक्षण से पता चला है कि स्कूल ने बिजली केबलों को दरकिनार कर उचित मीटर स्थापित किए बिना पास के एक कारखाने से बिजली चोरी की थी। टोरेंट पावर ने बताया कि कुल चोरी 10,76,000 रुपए की हुई है। ट्विटर का मालिक होना अत्यंत पीड़ादायक, सही व्यक्ति मिलने पर बेच दूंगा, ये कहा है एलन मस्क ने। ट्विटर के CEO एलन मस्क ने BBC को दिए इंटरव्यू में कहा कि ट्विटर का मालिक होना अत्यंत पीड़ादायक है। उन्होंने कहा कि अगर सही व्यक्ति मिला तो मैं इस कंपनी को बेच दूंगा। एलन मस्क कार निर्माता टेस्ला और रॉकेट फार्म SpaceX के भी CEO है। उन्होंने पिछले साल अक्टूबर में ट्विटर को $44 बिलियन में खरीदा था। आज सेंसेक्स 235 अंकों की बढ़त के साथ 60,392 पर हुआ बंद, वही निफ्टी 90 अंकों की बढ़त के साथ 17,812 पर हुआ बंद। गोल्ड 60,628 पे ट्रेड करते हुए, सिल्वर 75,900 और क्रूड ऑयल 6,812 पे ट्रेड करते हुए।